माता एवं आसपास में इकट्ठे सभी भाई बहनों सबों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 30-35 की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोग जो है लॉकडाउन होने के कारण जो भी प्रवासी मजदूर अपने घरों से लोग पैदल या किसी तरह यात्रा करके घर आ रहे थे और घर आने के क्रम में रास्ते में सड़क दुर्घटना के कारण वे अपनी जान गंवा बैठे और अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाए, तो उन सभी मजदूर भाई बहनों के लिए बच्चों के लिए जिन्होंने यात्रा के दरमियान दुर्घटनावश मृत्यु को प्राप्त किए वैसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आप सबों से भी आग्रह है कि श्रद्धांजलि सभा में सहभागी बने। तो अभी हम लोग 5 मिनट का मौन व्रत रखेंगे सभी मृतक प्रवासी मजदूरों की आत्मा की शांति के लिए तथा उनके परिवार में शांति के लिए हम लोग 5 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। परिवारों के लिए और सरकार मुआवजा जल्द से जल्द दे ताकि उनका जीवन यापन ठीक से हो सके। और जितने भी लॉकडाउन के कारण प्रभावित हैं उनका जो है सही से देखभाल हो, जितने भी योजनाएँ हों धरातल पर अच्छी तरह से कार्य रखें हम लोगों की एक मांग। और हम लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा रखें। तो अभी हम शैलेंद्र सर जी से आग्रह करेंगे कि वे सामने आएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।